हरे कृष्णा, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे अंतिम राशि मीन राशि के जातकों के बारे में कि जो मीन राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा, माली हालात आपकी कैसी रहेगी, घर में सहनाई बजेगी, किलकारी गूंजेगी, या नए तरह के व्यापार करेंगे, या भूमि भवन खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, सारी बात आज हम आपको बताएंगे। पॉलिटिकल स्थिति आपकी क्या रहेगी, सोशल स्थिति क्या रहेगी, और एकेडमिक आपका क्या रहेगा, प्रशासनिक क्या स्थिति, सारी बात आज हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपको मेरा कार्यक्रम पसंद आ रहा हो तो आप मेरा वीडियो लाइक करें और शेयर करें। आपके मन में ज्योतिष से संबंधित कोई भी जिज्ञासा है, प्रश्न है, तो आप प्रश्न जाकर के इनबॉक्स में अपना प्रश्न लिखिए, जन्मतिथि, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके भेजें ताकि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। और हम आपको ये भी बताएंगे कि आपका शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, और आज आपका वो कैसा रहेगा, उपाय क्या करना है आपके लिए, शुभ अंक शुभ रंग क्या है, उपाय क्या करेंगे, सावधानी क्या बरतेंगे, सारी बात आज हम आपको बताएंगे। अब आइए हम बात करते हैं मकर राशि के जातकों के बारे में कि जो मकर राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा। जो मकर राशि के जातक हैं, आर्थिक पक्ष आज आपका मजबूत होगा, सामाजिक पक्ष मजबूत होगा, आज आप संगठनात्मक कार्यों में रुचि रखेंगे, और आज अपनी लाइफ को एकदम नए तरीके से ऑर्गेनाइज करके, चैनलाइज करके कुछ बड़े रूप पर नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, उसके लिए आज का दिन काफी बेहतरीन होगा। आपके संघर्ष समाप्त होगा, लाभ होने वाली है, उपलब्धियों से मन प्रसन्न रहेगा, प्रॉपर्टी भूमि इसे खरीदने से भी लाभ मिलने वाला है। जब कोई नया व्यापार नया कार्य करने की अपनी योजना बना रखी है तो उसमें भी आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी। गुरुजनों के सहयोग से कुछ बड़ा कर सकते हैं, कुछ ऐसे मित्र मिलेंगे जो आपकी आर्थिक मदद करेंगे और आपको समय समय पर गाइड करते रहेंगे, जिससे आपका कार्य काफी आगे बढ़ेगा। विदेश गमन का भी योग है, आयात निर्यात की भी स्थिति अच्छी है, और संतान की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा। हेल्थ वेल्थ को लेकर के आपकी चिंता समाप्त होगी। बच्चों से मन प्रसन्न रहेगा, आप होनहार संततियों के पिता कहलाएंगे। यदि आप प्लान कर रहे हैं बच्चे के लिए, परिवार नियोज, परिवार वृद्धि के लिए, परिवार के लिए कोई प्लान कर रहे हैं तो उसमें आज आपको सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, किसी महिला मित्र के सहयोग से मन प्रसन्न रहेगा, और कोई पुराना काम जो रुका हुआ है उसकी होने की भी संभावना बन रही है। नए तरह के कार्यों से लाभ मिलेगा, और आज आप विदेश के लिए कुछ प्लान करते हैं, विदेश यात्रा के लिए, विदेश से धन के लिए, आयात निर्यात के लिए कई योजना आपकी सफल होगी। इंडस्ट्री या स्टार्टअप आप शुरू कर सकते हैं, उसके लिए भी आपका समय बढ़िया है। शत्रु परास्त होंगे, और यदि कोर्ट कचहरी में कोई भी नया विवाद चल रहा होगा तो उसमें आज आपको विजयश्री मिलेगी, और द्रुत गति की गाड़ी कतई न चलावें, और बहुत ज्यादा किसी पर अंधविश्वास करना, अंधभक्ति करना वो खतरनाक हो सकता है, तो उससे बचें, और साझेदारी में कोई भी निर्णय कार्य न ले तो अच्छा रहेगा। सावधानी क्या बरतनी है, साझेदारी में कोई भी कार्य आज नहीं करना है। उपाय क्या करना है, आज आप भगवान शनिदेव की आराधना करें, भगवान शिव की आराधना करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, और शनिदेव को आप क्या करें कि सरसों के तेल अर्पित करें, सम्मी के पत्ते से जलाभिषेक करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए शुभ अंक है 4 और शुभ रंग है सफेद। हरे कृष्ण।